जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। यकीन मानो बलू, मैं तुम्हारा शहद का छत्ता क्यों लूंगा? वो अपने आप तुम्हारे पेड़ पर गया, मैंने और बघीरा ने तो नहीं रखा था। अरे ये मछली तुम्हारे घोंसले में कहां से आई? क्या कहा? मोगली? अरे नहीं, ये मैंने नहीं रखी, सच बोल रहा हूँ। पर मोगली, हमारा खाना तुम्हारे पेड़ से मिला है। तुम्हारा मतलब मैंने चोरी की? नहीं, हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। तुम सच में मुझे चोर समझ रहे हो? ठीक है, तुम्हें यही लगता है तो मैं जा रहा हूँ। मोगली, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ओ, उदास क्यों बैठे हो? बलू और बघीरा को लगता है कि मैंने चोरी की, पर मैंने नहीं की। ओ मोगली, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैं नहीं, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मोगली अकेला तुमसे मिलना चाहता है। तुमने मुझे बुलाया अकेला? हाँ मोगली, मुझे पहले इस बात का जवाब दो। ये मेरा खाना है और ये मुझे तुम्हारे परिवार की गुफा के पास तुम्हारी जगह पर मिला। पर ये मैंने वहाँ नहीं रखा। अकेला मोगली चोर नहीं हो सकता। मैं कैसे यकीन कर लूँ, इसने तो अपने दोस्तों का सामान भी चुराया था। इक्की ने हमें सब कुछ बताया है। इक्की ने? पर ये सच नहीं है, उसने झूठ कहा। माफ करना मोगली, पर चोरी करने की एक ही सजा है, तुम्हें हमारे झुंड से निकाला जाता है। पर अकेला? नहीं अकेला। फैसला हो चुका है, अब जाओ। मैं चोर नहीं हूँ, मैकी को ढूंढकर ये साबित करूंगा कि मैं चोर नहीं हूँ। इक्की, पक्का तुमने पूरे जंगल में खबर फैला दी है ना? हाँ, तुम्हें तो पता है मैं चुगली करने में कितनी माहिर हूँ। वैसे मुझे मेरा इनाम कब मिलेगा? मोगली ने चोरी की। मोगली ने चोरी की। मोगली ने चोरी की। मोगली चोर है। मोगली चोर है। मोगली एक चोर है। तुमने इक्की को कहीं देखा? भाग जाओ यहाँ से, तुमने चोरी की है। चोर? चोर, चोर, तुम चोर हो। चोर, तुमने चोरी की है। चोर, 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 चोर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोगली चोरी नहीं कर सकता, पर अगर उसने पेड़ पर खाना नहीं छुपाया तो फिर किसने छुपाया? और क्यों? शायद उनका मकसद मोगली को चोर साबित करना हो। तो क्या मोगली ने तुम्हारा खाना चुरा लिया? क्या कहा? मैं तो हमेशा से कहता था वो इंसानी बच्चा चोर है, पर कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता था। सब मुझे बेवकूफ रंगू कहकर भगा देते। आओ, ये तुम क्या बक रहे हो बेवकूफ? तुमने सुना नहीं क्या, अकेला ने उस चोर को झुंड से निकाल दिया। हमें मोगली को ढूंढना ही होगा। पक्का तुम्हें किसी जानवर ने ये काम करते हुए नहीं देखा था ना? अरे नहीं शेर खान, टबाकी हवा से भी तेज है, तुम्हें तो पता ही है ना। और अब सब मोगली को चोर समझ रहे हैं। लाजवाब, मोगली अकेला पड़ गया, अब उसका साथ कोई नहीं देगा। हाँ। क्यों ना अब हम जाकर उसे थोड़ा सा दिलासा दे दें शेर खान। मेरी प्यारी इक्की, हम चाहते हैं तुम हमारे लिए एक और काम कर दो। ठीक है शेर खान, पर मुझे और फल मिलेंगे ना? हाँ हाँ इक्की, पेट भर के मिलेगा। हम चाहते हैं तुम हमारे शिकार का चारा बनो, तुम्हें इंसानी बच्चे को यहाँ लाना होगा। कोई उसकी मदद नहीं करेगा, यही हमारा कानून है। अकेला,
सिर्फ इतना तो बता सकते हैं कि वो किस तरफ गया है। अकेला तुम मोगली के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और कोई भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना, अब जाओ। हाँ? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। वो उस तरफ गया है, उसे ढूंढ लाओ ना। जरूर लाएंगे, फिक्र मत करो। अब तुम क्यों आए हो? तुम भी मुझे चोर कहना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं उस झूठी इक्की का यकीन नहीं करता। मुझे तो बस तुम्हारी हालत पर तरस आता है। भेड़ियों की झुंड से निकाल दिया, परिवार से जुदा कर दिया। जले पे नमक छिड़कने के लिए शुक्रिया। एक मिनट, तुमने कहा तुम इक्की पर यकीन नहीं करते? अरे बिल्कुल नहीं, उस झूठी की नानी ने मेरे बारे में भी बहुत झूठी बातें फैलाई है। यकीन मानो मोगली, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तुमने कहीं उस इक्की की बच्ची को देखा टबाकी? हाँ हाँ देखा है ना, कहो तो वहाँ ले चलूँ तुम्हें। हाँ? पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया। पर आखिर इक्की यहाँ क्या करने आएगी? अपनी चुगली भरी बातें करने, और क्या। पर यहाँ वो किससे बातें करेगी टबाकी? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो मेरे बारे में झूठ क्यों बोलेगी, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। ओ, तुम तो इक्की को जानते ही हो, उसे खाना दे दो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। वो यही आस पास है, जल्दी आओ। चुप जाओ शेर खान, वो आ रहा है। बचाओ, बचाओ। ओ, अब समझ में आया, ये टबाकी की चाल है। कहाँ है वो? आखिर वो यहाँ क्यों आया, वो भी टबाकी के साथ? वहाँ देखो। कितना बढ़िया जाल बिछाया था और तूने सब कबाड़ा कर दिया। मैं उसे ढूंढ लूंगा, नो टेंशन, ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। पर मुझे मत मारो शेर खान। मोगली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बलू, ये सब उस शेर खान और उसके चालाक चेले टबाकी का किया धरा है। और इक्की ने उनकी मदद की, अब वो ही अकेला को सारी की सारी सच्चाई बता सकती है। पर शेर खान के होते हुए उस तक पहुँचेंगे कैसे? एक चीज से उसे बेवकूफ बना सकते हैं, और वो है ये। टबाकी, कहाँ हो तुम? ये तुम्हारा आइडिया था शेर खान? तुमने इस चालाक गीदड़ से ऐसा क्यों कहा कि मोगली को मार कर खा जाओ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं खाया। अब मेरे दोस्त की सिर्फ ये हड्डी ही बची है जो हमें मिली तुम्हारी गुफा में। ओके बास। चाटा कहाँ है? वो तो मोगली की तरफ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे माफ कर दो शेर खान। वो देखो वो आए। बलू, वो हड्डी दो। एक हड्डी से मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? मुझसे गलती हो गई। हुई तो है, पर अगर चाहो तो इस गलती को सुधार सकती हो। हाँ, शेर खान ने ही टबाकी से खाना छुपवाया था और बदले में मोगली को चोरी के इल्जाम में फंसवा दिया, फिर मुझसे चुगली करने को कहा।
मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती की तुमने। जानती हो मोगली को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी? मोगली मुझे भी माफ कर दो, मुझे अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। हम सबको आज ये सबक लेना चाहिए। भेड़ियों के झुंड में तुम्हारा फिर से स्वागत है मोगली, और हमारी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया। दोस्तों मोगली की मदद करने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम नहीं होते तो मोगली हमें वापस नहीं मिलता। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारे जैसे दोस्त दुनिया में कहीं नहीं है। आहा।